समझदारी का आनंद दुखदायी होता है और बिना आनंद की समझदारी सूखी होती है और आत्मबल के बिना समझदारी और आनंद दोनों सूख नहीं होते और आत्मबल उसी में होता है जो बर्दाश्त करता है। जिसमें बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है उसमें कोई आत्मबल। ये बाबा की बात पहले मैंने मंगलाचरण करी। कोई भी बात होती है उसमें एक दृष्टि है। दृष्टि के बिना जो बात होती है या जो काम होता है या जो भोग होता है, माने अंधे होकर जो हम बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो करते हैं, जो बोलते हैं, तो वो जड़ बना देता है। उससे मनुष्य के भीतर जड़ता आती है और दृष्टि रख करके जो काम किया जाता है उससे मनुष्य की चेतनता जागृत होती है। दृष्टि बनाए रखोगे तो चेतनता जागृत होगी और दृष्टि नहीं रखोगे तो जड़ता तुम्हारे ऊपर छा जाएगी। तो ये तो है संतों की बोली। जो स्वामी तुलसीदास जी महाराज दृष्टि देते हैं, तो दृष्टि में आप देखो एक सगुण दृष्टि और एक निर्गुण दृष्टि। सगुण दृष्टि ये है कि सब में भगवान को पहले, सब में भगवान को पहचानने का भी एक व्यावहारिक अर्थ। ये नहीं कि आँख बंद करके सोचने लगे कि इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान है। ये आँख बंद करके सोचने का नाम है। भगवान अचिंत्य अनंत कल्याण गुणगण के महासमुद्र। संसार में जो कुछ है, जो कुछ होता है, जो कुछ होगा, जो कुछ हुआ, उसमें भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याण गुणगणों का प्रकाश कहीं न कहीं जरूर है। तो हर बात में गुण निकाल लेना ये भगवान का दर्शन है। यदि हर क्रिया में, हर बात में, हर परिस्थिति में गुण का दर्शन नहीं होता है तो भगवान का दर्शन नहीं होता। जब सब में आपको गुण गुण मालूम पड़ने लगेगा, इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है, इसमें ये
गुण है। अचिंत्य अनंत कल्याण गुण गण महोदधि भगवान, और जो कुछ विश्व में प्रकट होता है उसके रूप में भगवान प्रकट होते हैं, इसलिए सब में कुछ न कुछ गुण होता है। उस गुण को पकड़ लेना ये हंस का काम है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व तीन सरकार, संत हंस गुण गहि पय परिहरि बारी विकार। संसार जब प्रकट हुआ तो ईश्वर और माया दोनों मिल के संसार के रूप में प्रकट हुए। नहीं तो प्रकट होने की कोई जरूरत नहीं थी, ईश्वर स्वयं अकेले अपने आप में किसके सामने तो प्रकट हो, किसके लिए प्रकट हो, क्यों प्रकट हो, तो माया और ईश्वर दोनों मिल करके संसार के रूप में प्रकट हुए। अब उसमें जो विमुख लोग हैं वो माया के अंश को देखते हैं, और जो सम्मुख हैं भगवान के वे भगवद अंश को देखते हैं। तो आनुकूल्य प्रातिकूल्याभ्याम व्यवस्था, जो भगवान के अनुकूल होता है उसको संसार में सब जगह गुण दिखता है, और जो भगवान से विमुख होता है उसको संसार में सब जगह दोष दिखता है। तो जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व तीन सरकार, जब भगवान ने सृष्टि बनाई तो ये देखने के लिए कि ये मेरी ओर देखता है कि माया की ओर देखता है। रावण को राम नहीं सूझते, सीता सूझती। तो ये किसको देखता है, किस पर ये दृष्टि है। संत हंस गुण गहे, एक हंस होते हैं, एक परमहंस होते हैं, और एक स्त्री परमहंस होते हैं, इनके तीन गुण। तो हंस तो वे होते हैं जो जड़ और चेतन का विवेक करके ये दृश्य है मैं दृष्टा हूँ, दृष्टा भाव में स्थित हो गए तो हंस हो गए, और जब दृष्टा दृश्य का भेद मिट करके एक परमात्मा हो गया तब परमहंस हो गए, और जब भगवत प्रेम का उदय हो गया जीवन में, केवल भगवान का दर्शन ही नहीं होता है कि सब भगवान है, बल्कि सबसे प्रेम होता है कि ये भगवान है। सबको भगवान देखना दूसरी चीज है और सबसे प्रेम होना दूसरी चीज है। तो ये श्रीधर स्वामी का जो मंगलाचरण है श्रीमद् भागवत में, वो ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय। हंस माने क्षीर नीर का विवेकी, दृष्टा दृश्य का विवेकी, परमहंस माने ब्रह्मात्मयी तत्व अनुभवी, और श्री परमहंस माने जो केवल ब्रह्मदर्शी नहीं है, सबके प्रति प्रेम की वर्षा करता है। तो प्रेम जो है वो गुणैक पक्षपाती है। संत हंस गुण गहि पय परिहरि बारी विकार, संत हंस है और वो बारी विकार का परित्याग करके केवल गुण का ग्रहण करते हैं। ये सगुण दृष्टि है, गुण का ग्रहण करना माने सर्वत्र ईश्वर को देखना। और निर्गुण दृष्टि क्या है, निर्गुण दृष्टि है कि एक परमात्मा के सिवा है दूसरी कोई वस्तु नहीं है, और है तो वो जैसे जादू के खेल में होती है, सपने में होती है, माया मरीचिका होती है, ऐसे है। इसलिए सुनहुतात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभयन देखिए देखिए तो अविवेक। ये जो गुण दोष संसार में दिखाई पड़ रहे हैं ये जादू के खेल हैं, ये न असलियत हैं और न जादूगर में हैं, न ये जादूगर हैं और न ये असलियत हैं। तो सब क्या हैं, तो ये मायाकृत हैं, जादू के खेल हैं। माया शब्द का जादू इंद्र जाल है, इंद्रो माया भी गुरु रूप लिए थे, एक ही परमात्मा इंद्र जालवान ईशते, ईशो जालवान ईशते जालनी ही। ये एक इंद्र जाल है सब परमेश्वर का स्वरूप। तो इसमें गुण क्या है, दोष क्या है,
सबसे बड़ा गुण यह है कि गुण यह उभयन देखिए, गुण दोष का भेद ही न दिखाई पड़े अपने को, सब परमात्मा परमात्मा दिखाई पड़े और गुण दोष मालूम भी पड़े तो वो जादू का खेल है, माया का खेल है, उसमें कुछ सच्चाई नहीं है। देखिए तो अविवेक, ये जो संसार में गुण और दोष दिखाई पड़ते हैं ये अज्ञान के लक्षण है। तो ये दो दृष्टि हुई, सगुण दृष्टि से सर्वत्र गुण है और निर्गुण दृष्टि से गुण दोष बिना हुए ही मालूम पड़ रहे हैं। ये निर्गुण दृष्टि है और पहली सगुण दृष्टि है। अब आपको रामचरित मानस की दो एक बात इसके संबंध में सुनाता हूँ। आप रामचरित मानस में सबको बुरा किससे मानते मानते हैं? हम गोस्वामी जी की ओर से ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि रामचरित मानस में बुरा कोई है ही नहीं। एक भी पात्र ऐसा नहीं है जो बुरा है। अच्छा, आप मंथरा को बुरा मानते हैं तो मंथरा बिचारी का तो कोई दोष ही नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं सब दोष देवताओं का है, कई गिरा मत खेल। उसकी जबान पर आके सरस्वती ने ऐसा उल्टा पलटा कर दिया जिससे देवताओं का काम बन जाए। बिचारी की जीभ बिगड़ी, उसका दिल नहीं बिगड़ा था, उसकी जीभ बिगड़ी थी और जीभ तो सरस्वती देवी ने बिगाड़ी थी और सरस्वती देवी ने देवताओं की भलाई के लिए बिगाड़ी और स्वयं भगवान रामचंद्र देवताओं की भलाई चाहते थे, इसलिए मंथरा ने वरदान जो मांगा वो रामचंद्र के संकल्प की पूर्ति के लिए मांगा। तो मंथरा बिचारी का क्या दोष? अच्छा कहो कि कैकेयी का दोष है। तो रामचंद्र भगवान ने स्वयं कहा, कैकेयी को तो लोग बहुत गाली देते हैं, यहाँ तक कि भरत जी भी नाराज हो गए, शत्रुघ्न जी भी नाराज हो गए, सबकी नजर में कैकेयी दोषी है। भरत जी ने तो कैकेयी के साथ व्यवहार ही बंद कर दिया, बायकॉट कर दिया उसका, बिल्कुल एकदम बायकॉट कर दिया। राम वनगमन के बाद भरत जी ने कैकेयी के साथ कोई व्यवहार नहीं रखा। लेकिन हमने बहुत सारे रामायण पढ़े हैं, रामचंद्र भगवान चित्रकूट में जब माताओं से पहले मिलने गए तो कौशल्या के पास पहले नहीं गए, कैकेयी के पास मिलने के लिए पहले गए और उसको जाकर प्रणाम किया कि देवी तुम्हारी वजह से बहुत कल्याण हुआ। और जब रावण को मार करके आए तब बोले कि अगर आपकी कृपा न होती तो ये रावण न मरता, ऋषियों का भला न होता, देवताओं की सेवा न होती, तुमने बड़ा भारी काम किया। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि राम जी कैकेयी को दोष लगाने वालों को गाली देते हैं। जननी ही दोष देहि जड़ सेई, सपने हूँ साधु सभा नहीं सेई। कैकेयी मैया को तो वे लोग दोष लगाते हैं जिन्होंने स्वप्न में भी साधु सभा का सेवन नहीं किया है, सत्संग नहीं किया है। वो तो राम जी ने कैकेयी की आँख बंद कर ली, बोली कि बेटा मैं पहचान गई तुम राम हो, छोड़ दो। तो बोले ऐसे नहीं छोड़ेंगे, तो हम जो मांगे तो दो। बेटा ऐसी कोई चीज ही नहीं है हमारे पास जो हम नहीं दे सकते, तो देवगी 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 त्रिभाषा भरवा लिया। फिर बोले कि हमको 14 बरस का बंद दे दो जिससे हम ऋषियों का भला कर आवे, रावण को मारे आवे, उनको घर में से निकालने का सामर्थ्य है तो तुम्हारे प्रेम में है, तुम इतना प्रेम हमसे करती हो कि हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए तुम बदनामी भी सह सकती हो, तकलीफ भी सह सकती हो। तो जननी ही दोष दे ही जड़ तेरी, सपने हूँ साधु सभा नहीं तेरी। एक मारी बड़ा दोषी है, मारी को आप तो दोषी कहते हो पर राम जी तो उसको बड़ा भारी प्रेमी समझते हैं अपना। जो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अंतर प्रेम तास पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। मारी के हृदय में कितना बड़ा प्रेम था, वो बहका के ले गया राम जी को दूर, ये ठीक है, और लोगों को देखने में उसने जानकी का हरण करवाया परंतु वहाँ ईश्वर बैठा है। मारी के हृदय में ईश्वर है कि नहीं है? और यदि ईश्वर है मारी के हृदय में तो वहाँ अचिंत्य अनंत कल्याण गुण में से कोई गुण भी होना चाहिए, और गुण है वहाँ अंतर प्रेम पास पहचाना। भगवान रामचंद्र पहचानते हैं, भगवान रामचंद्र पहचानते हैं कि मारी के हृदय में प्रेम है। अच्छा, रावण दोषी है? हनुमान जी कहते हैं
कि रावण तुम्हारे अंदर जो बल है वो राम का है, सच है ना। जाके बल लौ लेते जिसे चराचर भारी साथ जीत। रावण तुम्हारे अंदर जो बल है वो राम का है। हम बचपन में कुछ चौपाई जाया करते थे राम चरित्रों की, तो अशुद्ध याद होंगी क्योंकि बचपन में पढ़ा लिखा नहीं था, रामायण पढ़ नहीं सकता था, तो अपनी माँ से सुन सुन के याद किया था। जन रंजन भंजन महिधारा जो जगदीश लीन अवतारा, तो मैं जाय बैर हज करी हूँ प्रभु करते भव सागर करी हूँ। कोई भजन नहीं तामस देहा मन क्रम वचन सत्य दृढ़ एहा। ये सत्य दृढ़ सत्य है, मन क्रम वचन सत्य दृढ़ है। अब ये है देखो वैष्णवत्व उठा, ये तो है वैष्णवत्व। अब असुरत्व उठा, सब संशय आया कि जौ नर रूप भूत सुख गो हरिहव नारी जी किरण गो। तो उसमें राक्षसत्व भी है और उसमें देवत्व भी है। रावण में केवल राक्षसत्व ही राक्षसत्व है, ये दृष्टि बिल्कुल गलत है। बल्कि एक दृष्टि से तो रावण में देवत्व जो है वो कभी छूटता ही नहीं, निरंतर देवत्व रावण में रहता है। राक्षसत्व तो उसका बाहरी टोला है, भीतर से तो वो भगवान के प्रेम से भरा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जानकी जी के प्रति रावण के मन में तनिक भी दुर्भाव नहीं है। मन मह चरण बंदी सुख माना। रावण मन मन में जानकी जी के चरणों की वंदना करता है और सुख मानता है। आप बताओ, जो मन में जानकी जी के चरणों की वंदना करके सुखी होता है, उसके हृदय में कहीं न कहीं भगवान के प्रति प्रेम जरूर है। खरभूषण कहता है बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। ये रामचंद्र तो अनुपम पुरुष है, बध करने योग्य नहीं है। सुरपणखा तो ऐसी मुग्ध होती है कि ब्याह करने के लिए ही तैयार हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये गोस्वामी जी का दृष्टिकोण है। अगर आप सगुण ईश्वर की दृष्टि से देखते हो तो सबके भीतर ईश्वर है और सबके भीतर ईश्वर का कोई न कोई गुण प्रकट है। यदि उस गुण तक आपकी दृष्टि नहीं जाती है तो आपकी दृष्टि में दोष है, वहाँ ईश्वर के होने में कोई दोष नहीं है। और यदि निर्गुण दृष्टि आपको प्राप्त हो गई, तब तो सर्व सर्वगत सर्व उराल है, सब में परमेश्वर है ही है। और जो परमेश्वर के सिवाय गुण दोष राजा द्वेष के स्थान मालूम पड़ते हैं, वो सब हमारे अंतकरण के दोष हैं। इसलिए चाहे दृष्टि निर्गुण की रखो चाहे सगुण की, जो हो रहा है उसमें भगवान की लीला देखो। माया देखो तो माया के खेल को देखकर खुश हो जाओ, भगवान की लीला देखो तो भगवान की लीला देख कर के खुश हो जाओ। और यदि अंतर्मुख होना हो तो इस सब की ओर से नजर हटा कर चुप हो जाओ। लेकिन गुण दोष देख करके रागव द्वेष करने के लिए सृष्टि में कोई स्थान नहीं है, ये मैंने मानस की एक दृष्टि आपके सामने रखी। अब देखो आनंद जो मानस का है।